जो नाग का रक्षा करती हैं शेष नाग का, वो सब उनकी वाइफ वगैरह हैं। तो सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा यहाँ का नज़ारा होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर गैया अपन वाली। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, हमारे कुछ दोस्त लोग हैं और हम लोग जा रहे हैं मनगढ़ जो है कृपालु दास के मंदिर में। और दोस्तों आप सभी को हम जो है कृपालु दास का मंदिर दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। और देख सकते हैं हम लोग इतने लोग हैं और ये हमारी इधर बाइक खड़ी हुई है, हम लोग बाइक से जा रहे हैं और बगल में रोड है, देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और चलते हैं, उसके बाद आप सभी को दिखाते हैं। और एक बार हमारे जो है चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारे भाई लोग हैं सब, ये अंशुल हैं और उधर शिवम हैं, इधर कुलदीप हैं, सुधीर हैं और इधर नीरज हैं, उधर जयकरण हैं और इधर और राजन उर्फ निखिल, क्या नाम है, करण उर्फ विजय। तो सब लोग हैं, अब हम लोग चलते हैं यहाँ से सीधा कृपालु दास के मंदिर पर और आप सभी को ढेर सारा एंजॉय मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए अंजू डेली ब्लॉग को। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच आए हैं यहाँ पर, गाड़ी अपना पार्क कर लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग की गाड़ी है और हम लोग गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जो है कृपालु दास के मंदिर में। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें और हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो है गेट है, इसी गेट से अंदर जाना है और देख सकते हैं ये अंदर जाने के लिए गेट है। और ऐसे कुछ आप सभी को लोकेशन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं वहाँ पर चेकिंग होता है कि कोई गुटखा वगैरह तो नहीं लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग होता है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है जेब चेकिंग होता है कि देखिए कुछ धूम्रपान तो नहीं लिए हैं, है ना, और कोई ऐसा सामान तो नहीं लिए हैं, अस्त्र शस्त्र। तो यहाँ पर पहले चेकिंग होता है और हम भी चेकिंग करवा लेते हैं। ये निकला पान दिखा। वीडियो पर यूट्यूब पे जाएगा। और अपने पास तो कुछ नहीं, सिर्फ पैसा की बात, ये गाड़ी चाबी होगा शायद और पैसा है और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा भी चेकिंग हो गया और एक चेकिंग में पान निकला। इसके वाले में पान निकला है, बाकी और कोई धूम्रपान नहीं लिया था, इसके वाले में पान निकला है। तो चलिए दिखाते हैं कुछ ऐसा, ये देख सकते हैं लोकेशन है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी काफी मजा आने वाला है और उधर देख सकते हैं, और इधर देखो ये डांस कर रहा है। हाँ, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि हम भी पहली बार यहाँ पर आए हैं और देखते हैं क्या लोकेशन कैसा होता है। क्या बोल रहा, मेरे जेब गुटका है। शिवम बोल रहा है कि मेरे जेब में गुटका है फिलहाल। तो कोई गुटका नहीं है, मजा ले रहा है, ठीक है। तो चलिए ऐसे चलते हैं और बाकी काफी अच्छा अच्छा यहाँ का लोकेशन आप सभी को दिखाते हैं। और काफी अभी जो है शाम हो रहा है तो अभी ज्यादा उतना भीड़ नहीं है, फिलहाल बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें और आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए आगे का आप सीन दिखाते हैं वहाँ पर पहुँचने के बाद। तो देखिए दोस्तों, पहला सीन आप सभी को दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे कुछ सब दोस्त हैं और यहाँ पर आगे थोड़ा और दिखा देते हैं। और ये देख सकते हैं ऐसा कुछ नज़ारा है इसका और काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। और ये सब अपना अपना फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं और देख सकते हैं इधर से हम थोड़ा पास से दिखा देते हैं आप लोग को। ये देखिए, ये मंदिर है और यहाँ पर देखिए रथ से है जो कि जाने का सीन है। तो आप लोग ऐसे ही चैनल पर बने रहें और थोड़ा गाना भी बज रहा है, कॉपीराइट का टेंशन है। दोस्तों यहाँ पर जूता उतार रहे हैं, ये जूता उतारने वाला जूता चप्पल रखने वाला है और यहाँ पर हम लोग जूता उतार के रख रहे हैं, उसके बाद भी अंदर एंट्री होगी। जब तक वो जूता नहीं उतारेंगे तब तक अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। गैया अपन वाली। तो देखिए दोस्तों, पीछे कुछ ऐसा सीन है, बहुत ही गजब का सीन है और यहाँ पर गाना भी बज रहा है। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है और यहाँ पर पीछे देख सकते हैं, ये हम आपको घुमा के दिखा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा देख शानदार भक्ति मंदिर बनी हुई है जो कि काफ़ी अच्छा है। और इधर देख सकते हैं ये यहाँ पर गाय भी बनी हुई है और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा अच्छा
मोर वगैरह सब बने हुए हैं यहाँ पर, मतलब कि हर एक प्रकार का सीन है यहाँ पर, देख सकते हैं उधर से दिखा देते हैं, कृष्ण भगवान भी हैं तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और इधर देख सकते हैं आप सबको दिखा देते हैं, अभी फिलहाल अभी शाम हो रही है तो अभी भीड़ चालू हो रही है, क्योंकि यहाँ का जो शाम का नज़ारा होता है बहुत भव्य नज़ारा होता है, बहुत ही अच्छा देखने के लायक रहता है, शाम का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब भीड़ जो है शुरुआत हो रही है, फिलहाल अभी जो है लगभग यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 7-8 बजे के बाद से दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग तो देख सकते हैं, अभी यहाँ पर चल रहे हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, और इधर देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से घूमने के लिए आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा है, और मतलब कि यहाँ पर भीड़ चालू हो रही है और काफ़ी स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं और देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को और पूरा हम वीडियो दिखाते हैं, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। तो देख सकते हैं स्कूल का तरफ से भी यहाँ पर जो है टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट मतलब टूर पर भी लेके आते रहते हैं, तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो देख सकते हैं दोस्तों पीछे से कितना मस्त नज़ारा है इसका, देख सकते हैं पीछे से बहुत ही अच्छा देखने के लिए लग रहा है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये 2022 में आए हुए हैं, आप सभी को तारीख भी बता देते हैं, आज 17 तारीख है और हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू दिखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कृष्ण भगवान सारी गोपियों को यहाँ पर देख सकते हैं नचा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियों को सबको नचाने के लिए यहाँ पर लेके आते थे। और फिलहाल दोस्तों आप सभी को बता दूँ यहाँ पर जो है देख सकते हैं भक्ति भवन, जो कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, भक्ति भवन बहुत ही अच्छा, मतलब कि इसके अंदर देखने का कुछ अलग ही नज़ारा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पर उसके अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, फिलहाल कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाली किसी की हार नहीं होती, तो फिलहाल कोशिश करेंगे बनाने के लिए, अगर हो जाएगा बना लेंगे तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गोपियों को नचाने के लिए कृष्ण भगवान आते थे और यहाँ पर नचा भी रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं उधर आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा, एलईडी लगी है जो कि काफ़ी एलईडी दिख रही है, शायद आपको वो नहीं दिख रहा होगा जो वहाँ पर चित्र है कृपालु दास का, तो वो नहीं दिख रहा होगा। और हमारे जो देख सकते हैं हमारे सब दोस्त लोग यहीं पर हमारे आगे पीछे लगे हुए हैं, हम लोग घूम रहे हैं साथ में और हम लोग वीडियो बना रहे हैं। हम लोग दोस्तों आप लोग के ही लिए लेकर आए हैं, मतलब हम लोग आपके ही लिए आए हैं जो कि वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग ने सोचा, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि मनगढ़ कृपालु दास का मंदिर का जो है वीडियो बनाइए, तो हम वहाँ पर यहाँ पर आ चुके हैं और वीडियो बना रहे हैं, सिर्फ आप सभी के लिए बना रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हैं तुम्हारे चैनल अंजू डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ब्लॉगिंग ऐसे ही करते रहें, नया नया कॉन्टेंट लाते रहें। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब अपना अपना फोटो वगैरह खींच रहे हैं, और उधर देख सकते हैं अभी फिलहाल उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, जो कि शाम के समय कुछ देखने का अलग ही नज़ारा होता है। तो शाम के समय दोस्तों आप सभी को बता दूं, शाम के समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ का नज़ारा होता है। तो आप लोग हमारे वीडियो में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें, और आप लोगों को कुछ और दिखाना चाहते हैं, उधर देख सकते हैं उधर बहुत ही अच्छा अच्छा नज़ारा, चलिए हम आप सभी को डायरेक्ट वहीं पर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है शेष नाग है, और इसी पर जो है कृष्ण भगवान जो है इसी पर अपना तांडव करते थे, देख सकते हैं आप सबको जूम करके थोड़ा सा दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान यहाँ पर जो है तांडव कर रहे हैं। और फिलहाल अभी ये चालू नहीं है, अभी शाम को चालू होगा, पूरा भव्य नज़ारा आप सभी को शाम वाला भी दिखाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो है नाग रक्षणी के जो हैं जो नाग का रक्षा करती हैं शेष नाग का, वो सब उनकी वाइफ वगैरह हैं। तो सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर मोर वगैरह भी हैं और सारस भी हैं, यहाँ पर कई जो है पशु पक्षी भी हैं, और देख सकते हैं वहाँ पर उनके पूरे जो है उनके जो दोस्त वगैरह हैं कृष्ण भगवान के, देख सकते हैं, और वहाँ पर सुदामा भी हैं, सब लोग यहीं पर हैं, और काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा, आप सभी को हम दिखा देते हैं। और रात में आप लोगों का कुछ अलग नज़ारा दिखाई देगा, तो रात वाला वीडियो जरूर देखना, अगर रात वाला अगर चैनल पर नए रहेंगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रात का वीडियो हम आप लोग को यहाँ पर जरूर दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में नज़र एक बार नज़रअंदाज ना करें, देख सकते हैं, और यहाँ का पूरा अभी बैकग्राउंड हालांकि खाली है, और देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि खाली है बैकग्राउंड, लेकिन बैकग्राउंड पूरा बहुत ही ज़्यादा मतलब भर जाने वाला है, क्योंकि शाम के समय बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाती है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि रात वाला सीन बहुत ही अच्छा आप सभी को दिखाई देगा, और
और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें और रात वाला वीडियो आप सभी को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोग को सुबह तक अगर उसका रात वाला वीडियो छोड़ देंगे तो ये अभी वीडियो जा रहा है। और दोस्तों हमारे वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव।